हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में एक ऐसे पेनी शेयर के बारे में बात करने वाले जो कि आईटी कंपनी से रिलेटेड है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पेनी शेयर, तो इसने कोई अच्छे रिटर्न्स नहीं दिया, इसके नेगेटिव फंडामेंटल्स है। इसके फंडामेंटल्स भी आपको बताऊंगा काफ़ी पॉजिटिव है, और एक साल के अंदर इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए। आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर वन ईयर रिटर्न 735% के रिटर्न्स एक साल में दिया। अगर आपने 1,00,000 रुपये इसमें लगा दिया तो करीबन 7 या 7.5 लाख रुपये के आसपास इस कंपनी ने आपका बना दिया था। तो मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आपको किसी भी पेनी शेयर में 1,00,000 रुपये लगा देना है, बल्कि आप यहाँ पर 1,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं या फिर 5,000 रुपीज़ से भी शुरू कर सकते हैं। आप इसकी प्राइस देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 3.26 रुपये के आसपास है। इसके रिटर्न्स पर नज़र डालिए, एक साल के रिटर्न्स पर काफ़ी शानदार रिटर्न्स है। वन डे की बात करें 3% का इजाफा देखा जा रहा है, वन वीक की बात करें 8% नेगेटिव, वहीं वन मंथ की बात करें 10% का इजाफा आपको देखने के लिए मिल रहा है। वन ईयर रिटर्न्स मैंने आपको बताया, थ्री ईयर्स रिटर्न्स 1600% के रिटर्न्स दिए, फाइव ईयर्स में 1200%। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं अच्छे खासे रिटर्न्स कंपनी देकर के जा रही है। कंपनी का नाम आप देखेंगे BLS इन्फोटेक। कंपनी का कामकाज भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके साथ इसके फंडामेंटल्स भी आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपको डिसाइड करना आप में इसमें अवॉइड करना या इसे खरीदना है। BLS इन्फोटेक लिमिटेड इंडिया इज बेस्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कंपनी है दोस्तों। ये द कंपनी इज द इंगेज द प्रोवाइडिंग द IT इंगेज सर्विस। द कंपनी इंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रॉपर्टीज। तो आप देखेंगे अच्छी खासी कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करती है। मार्केट कैप पर नजर डाली 143 करोड़ स्मॉल कैप, वहीं पर इसकी प्राइस 3.26 रुपये, लोअर हाई देख ली 38 पैसे का स्टॉक हुआ करता, 8 रुपये का हाई मार दिया है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, फेस वैल्यू 1 रुपये के आसपास, ROE देख लीजिए 0.0, बुक वैल्यू आप देखेंगे बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक P देखे 14,269, ROC 0.02%। तो जिस तरीके के फंडामेंटल्स होने चाहिए उस तरीके के नहीं है, क्योंकि एक पेनी शेयर है दोस्तों, तो उस तरीके के फंडामेंटल आप चाहते हो वैसे नहीं देखने के लिए मिलेंगे। थोड़े रिस्की होते हैं पेनी शेयर, तो आपको उनमें इतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। और ये वीडियो मैं आपको बता दूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, मैं कहीं पर भी नहीं बोलता हूँ आपको कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ एनालिसिस करके, बाकी आपकी अपनी राय आपको इन्वेस्ट करना है या अवॉइड करना है। तो आगे देख लीजिए, मैक्सिमम चार्ट पर नजर डालते हैं। कंपनी की लिस्टिंग हुई थी 0.39 पैसे के आसपास, इसने हाई मारा 1.71 रुपये का, दूसरा हाई मारा 2 रुपये का। उसके बाद लगातार कंपनी ट्रेड करती गई 2021 के बाद में। आप यहाँ से देखेंगे कंपनी ने बाउंस बैक किया, काफ़ी ऊपर की तरफ गई है, 7-8 रुपये के आसपास का हाई आपको देखने के लिए, 8 रुपये का हाई मारा, वहाँ से थोड़ी सी कंपनी गिरी है, अभी 3 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रही है। तो इसके प्रोस और कॉन्स पर नज़र डालते हैं। ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है दोस्तों, ऐसा नहीं कि कर्जे में डूबी हुई कंपनी, आपको बता रहा हूँ जो कंपनी पहले से कर्जे में डूबी है आपके पैसे को डबल नहीं करेगी। तो ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी, तो आपके पैसे को कई गुना करने के चांसेस हैं। और दूसरी बात, क्वार्टरली रिजल्ट पर आप नज़र डालते हैं, अगर कंपनी की सेल्स पर आप नज़र डालिए, बीच में बिल्कुल ना के बराबर कंपनी की सेल्स थी, यहाँ पर भी आप देखेंगे ना के बराबर, लेकिन लास्ट जो क्वार्टर अच्छी खासी सेल्स देखने को मिल रही। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, अभी कंपनी को कोई भी किसी भी तरीके का नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको पिछले 3 क्वार्टर में देखने के लिए नहीं मिल रहा। हालांकि लास्ट 4th क्वार्टर आप देखेंगे 0.01 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट था, लेकिन लास्ट के 3 क्वार्टर 0.0, यही कारण है कि एक महीने से कंपनी के पिछले 3-4 महीने से इतने अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इसकी बैलेंस शीट हम देखते हैं, अगर बैलेंस शीट पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे, शेयर कैपिटल देख लीजिए 43.77 थे, वो अभी भी उतने ही बने हुए हैं। रिजर्व्स कंपनी के 0.65 करोड़ रुपये के थे, जो कि अभी धीरे 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 माइनस में चले गए। क्यों माइनस में चले? कंपनी अपना कर्ज घटाया है। टोटल लिबिलिटीज देखेंगे आप तो वो भी धीरे धीरे कम होती हुई दिख रही है। टोटल एसेट्स देखेंगे ये भी कम होते, काफ़ी सारे इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं BLS इन्फोटेक के शेयर में। वही शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर नज़र डालते हैं अगर, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग फिलहाल 59% के आसपास थी, जो कि पूरी अभी 59% बनी, एक पॉजिटिव साइन है। पब्लिक की होल्डिंग 40% थी, जो कि पूरी 40%, ये भी एक पॉजिटिव साइन आपको देखने के लिए मिल रहा है। परफॉर्मेंस पर नज़र डालते हैं अगर, तो इसकी परफॉर्मेंस हम देखेंगे टुडेज लो और हाई, तो हाई मार के थोड़ा सा पीछे गया, 52 वीक पहले 38 पैसे का था, अभी 8 रुपये का हाई मार दिया, 8.5 रुपये का, वहाँ से काफ़ी पीछे स्टॉक खिसक गया दोस्तों। तो अभी आपको 8 रुपये का स्टॉक 3 रुपये के आसपास बाय करने के लिए मिल रहा है। इसकी वैल्यू देखेंगे 0.10 करोड़ रुपये के आसपास की वैल्यू है। फाइनेंशियल पर नज़र डालते हैं अगर, नेटवर्थ देखते हैं, सितंबर 2021 में 40.72 करोड़ थी, जो कि सितंबर 2022 में 40.73 करोड़, थोड़ा सा इजाफा देखने के लिए मिल रहा है।
प्रॉफिट की बात करें तो लगातार कंपनी को प्रॉफिट जो है 0.01 करोड़ के आसपास हो रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो सबसे अच्छा रेवेन्यू कंपनी का दिसंबर 2021 में 0.07 करोड़ का था, लास्ट के दो क्वार्टर में बिल्कुल नहीं था, सितंबर में 0.01 करोड़ का है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इसके जो फंडामेंटल्स हैं मिले जुले हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन जो रिटर्न्स की बात की जाए, एक महीने के रिटर्न्स 10% के, लेकिन एक साल के रिटर्न 735% के, और ये पैनी शेयर है, बहुत ही सोच समझ के आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। सिर्फ मैंने आपको वीडियो बनाया एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर करना। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना इन्वेस्ट करना, ज़्यादा इन्वेस्ट आपको नहीं करना, 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये से आप यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, ये आपकी अपनी राय है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर से कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं।